दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो एंटायर वर्कबुक होता है उसको हम कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, उसमें कैसे पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपके पास ये सीट है और ये सीट है, ये सीट है, आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनमें चेंजेज ना कर सके, इनमें कोई भी बदलाव नहीं कर सके, तो हम इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे अभी इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ, री इंसर्ट, रीनेम, डिलीट, मूव, कॉपी और टैब का कलर और हाइड करने के ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इन पर ये चीज़ें नहीं कर सके, तो आपको करना क्या है दोस्तों, रिव्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर पासवर्ड, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले इसमें दो ऑप्शन आते हैं, तो स्ट्रक्चर का और एक विंडो का। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड पुट कर रहा हूँ 1 2, ठीक है, और वापस कंफर्म पासवर्ड और ओके। अब दोस्तों, जैसे ही मैं देखो यहाँ पे, अब मैं इसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, टेप का कलर, हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन मैं देखना चाहता हूँ, तो वो सारे के सारे मेरे लिए डिसेबल हो गए हैं। मैं ना यहाँ पे क्लिक करके पा रहा हूँ, ना यहाँ से मैं इंसर्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो जी मैं जाके होम टैब के अंदर या फॉर्मेट में से भी इंसर्ट कर लूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से भी सीट का रीनेम, मूव, कॉपी, टैब का कलर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, डिसेबल्ड हो गई है यहाँ से। तो ये किससे हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कबुक करने से। ठीक है, तो आप अगर अब जैसे ये चीज़ें करना है, वापस जाके यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अब आप देखेंगे कि आप यहाँ से इंसर्ट करके इजीली इसको नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इसमें आ रहा था ऑप्शन, वो क्या आ रहा था कि स्ट्रक्चर हमें देख लिया, अब विंडो ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे इसके अंदर जो ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का जो ऑप्शन आ रहा है, अगर इसको आपको लो करना है तो आप विंडो का यूज कर सकते हैं। 1 2 3 ओके, 1 2 3 और ओके। अब आप देखेंगे कि वो ऑप्शन वहाँ से रिमूव हो गए हैं, अब कोई भी उसको मिनिमाइज नहीं कर सकता, मैक्सिमाइज नहीं कर सकता और क्लोज नहीं कर सकता। आप वापस जाएंगे 1 2 3 ओके, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन वापस यहाँ पर आ गए हैं। तो हमने दोनों तरीके देखे हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर से क्या होता है और विंडो से क्या होता है, और हम इस प्रकार से हमारी सीट वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आपके डेटा में चेंजेज ना कर सके। और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जो जो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।